हाँ बच्चों, तो आज हम लोग अपने क्रैश कोर्स के अंदर जूलॉजी का जो पहला आपका लेक्चर है इसको शूट कर रहे हैं ना। मैं यतेंद्र उपाध्याय टीम सीएलसी से आपका स्वागत करता हूँ। तो आज अपन एनिमल किंगडम जो है इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर पोरीफेरा से एनेलिडा तक का जो मैटर है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो देखें कि जो एनिमल किंगडम है, जंतु जगत है, तो ये जो जगत है, इसके जो जीव हैं, हम लोग कह सकते हैं कि लाखों वर्षों के कार्बनिक उद्विकास का परिणाम है ये। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी प्रोसेस, मतलब लंबे समय से चली आ रही उद्विकासीय प्रक्रिया का परिणाम आज हमारे सामने ये जीव विविधता है, जिसमें जंतु, पादप और भी कई जीव जो हैं वो मौजूद हैं। अब इतनी ज़्यादा जो जीव विविधता हमारे सामने है, तो इन जंतुओं का अच्छे तरीके से जो अध्ययन जो है उसको तभी अच्छे तरीके से किया जा सकता है जब इनको अच्छे से क्लासिफाई किया जाए। तो इसीलिए जो वर्गीकरण है इसकी आवश्यकता पड़ी कि जीवों को कुछ फंडामेंटल लक्षणों के आधार पर अलग अलग तरीके से कुछ वर्गीकरण के आधार के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, है ना। तो इसी को जो है यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर शुरुआती पहले पेज के अंदर इसके बारे में लिखा है, और उसमें बताया गया कि हमारे चारों तरफ जब हम लोग देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्राणियों की संरचना और स्वरूप हमें नज़र आते हैं, है ना। और इन अलग अलग प्रकार के जो जीवों के स्वरूप हैं, तो इनको अलग अलग लक्षणों के आधार पे जो डिवाइड किया गया है, है ना। और सबसे पहले हम लोग एनिमल किंगडम जो है, इस किंगडम के जो सदस्य हैं उनके बेसिक जो फीचर हैं, जो लक्षण हैं, उनकी बात करेंगे। और इन फीचर के बाद हम लोग जो हैं कुछ वर्गीकरण के आधार जो हैं उनकी चर्चा करेंगे, अलग अलग जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किए हैं। और वर्गीकरण के आधार को डिस्कस करने के बाद में हम लोग पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेट, फिर ट्यूनोफोर, फिर प्लेटी हेलमेंथीज, फिर एसके हेलमेंथीज और फिर एनेलिडा तक बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर के आए हुए इस इन टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आओ, तो जंतुओं के जो लक्षण है, अगर हम लोग इन लक्षणों की अगर बात करें, तो देखें कि जितने भी जंतु हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इनके शरीर में काफी सारी कोशिकाएं पाई जाती है ना। तो अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एक बिना अपवाद के सभी जंतुओं का लक्षण है, तो सभी जो जंतु हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये विषमपोषी प्रकार के होते हैं, मतलब अपना भोजन जो है वो खुद नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर ये निर्भर करते हैं ना। अब ये हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, ओमनीवोरस हो सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है हर्बीवोरस, मतलब जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करे, कार्निवोरस जो डायरेक्टली पौधों पर निर्भर नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कोई मांसाहारी जीव है वो हिरण को खा रहा है, वो हिरण जो है वो घास को खा रहा है, तो एक तरीके से जो कार्निवोरस जीव है वो अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही डिपेंड करता है। ओमनीवोरस सर्वाहारी जिसको बोलते हैं, जो सभी प्रकार के भोजन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो पोषण के आधार पर जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमपोषी प्रकार के होते हैं। फिर जो जंतु हैं उनके अंदर होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। होलोजोइक का मतलब है जो संपूर्ण भोजन को सबसे पहले इंजेशन उसका अंतग्रहण करे, उसके बाद में डाइजेशन उसका पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा, और अवशोषण के बाद में उसका स्वांगीकरण एसिमिलेशन होगा, और उसके बाद में कोशिकाएं जो उनको यूज में ले लेंगी, और जो बचा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, इजेशन, ठीक है। तो जंतुओं में ये होलोजोइक प्रकार का क्या होता है, पोषण होता है। फिर जो एनिमल है वो मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करती है, लैंगिक प्रजनन को प्रदर्शित करती है। कुछ लोअर कैटेगरी के जो जीव हैं उनमें लैंगिक जनन के साथ साथ अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात भी हम लोगों ने कर ली है। फिर जो जंतु कोशिकाएं हैं, एनिमल जो सेल्स हैं, एनिमल जिन सेल्स से मिलके बना हुआ है, उन सेल्स के बाहर की तरफ पादपों की तरह, कवक की तरह कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती, यानी एनिमल सेल जो है वो सेल वॉल रहित होती है। फिर जो एनिमल है उसमें मूवमेंट और लोकोमोशन पाया जाता है। आज धरती पे पादपों की तुलना में जंतुओं की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एनिमल जो है उसमें मूवमेंट और लोकोमोशन पाया जाता है।
और गति और संचलन की वजह से ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। एक स्थान अगर उनके लिए अच्छे तरीके से सूटेबल नहीं है तो वो अपने मूवमेंट लोकोमोशन से दूसरे स्थान पर जा करके जहाँ पर उनमें अच्छा अनुकूलन स्थापित हो वहाँ पर वो जाकर स्थापित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा पादप नहीं कर पाते हैं, पादप उसी स्थान पे फिक्स रहते हैं तो वहीं पे उनको सभी प्रकार के जैविक और अजैविक तनाव का सामना करना पड़ता है ना। तो इसीलिए पादपों की तुलना में जंतु जो वो ज़्यादा अडेप्ट हुए और उनकी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा हुई क्योंकि उनमें मूवमेंट और लोकोमोशन पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें तो हम लोगों के अंदर न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पाया जाता है और उसके साथ साथ केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये दोनों मिलकर के जंतु जो हैं उनके शरीर के अंदर नियंत्रण समन्वय को अच्छे से स्थापित करते हैं, है ना। तो हम लोग जो हैं हमारे बाहर की तरफ जो अलग अलग स्टिमुलाई हैं उनको तेजी से ग्रहण करके उनके प्रति तेजी से अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हो। तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी हमारे अंदर होती है और ये पादपों में नहीं होता है। तो एक तो मूवमेंट लोकोमोशन, दूसरा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये प्रक्रिया भी पादपों में नहीं होती है और इसीलिए जंतुओं में इनके होने के कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और लास्ट है कि जो एनिमल होते हैं वो एक विशिष्ट तरीके से ग्रोथ प्रदर्शित करते हैं, वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फीचर जो हैं उनकी हम लोगों ने बात यहाँ पर की है। ठीक है, आगे चलें। ओके, अब एनिमल को हम लोग डिवाइड करें, उससे पहले हम लोग कुछ वर्गीकरण जो है उसके आधार की बात करेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या आधार हैं। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर, फिर होगा सिमिट्री, सम्मिति, फिर जनन स्तर, फिर देह गुहा, फिर खंडी भवन जिसको सेगमेंटेशन कहते हैं, और फिर है पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड। इन सब की चर्चा एनसीईआरटी ने की है, हम लोग वन बाय वन इनकी बात करेंगे और फिर सबसे पहला फाइलम जो आपका है पोरिफेरा उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके लिए, संगठन के स्तर के लिए। तो संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखें जंतुओं में ये चार प्रकार का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें सबसे पहला है कोशिकीय स्तर, सेलुलर ग्रेड, और इसमें क्या होगा, इसमें सेल्स ढीले समूह में व्यवस्थित होती है। ना लूज एग्रीगेट के रूप में जो कोशिकाएं वो व्यवस्थित होती हैं और इस तरीके से व्यवस्थित होती है कि इनमें कार्य का कुछ बंटवारा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, अच्छे तरीके से तो नहीं होता लेकिन कुछ कार्य का बंटवारा पाया जाता है। तो एक चीज हमें ये भी याद रखनी है कि इनमें कुछ कार्य का बंटवारा यानी डिवीजन पाया जाता है, है ना, ये भी एनसीईआरटी ने लिखा है, अच्छे तरीके से तो नहीं लेकिन होता है। और इस प्रकार का जो ये प्रिमिटिव टाइप का है, मतलब सबसे पहले जो जंतु बने इनमें इसी प्रकार का संगठन होता है और हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं पोरीफेरा, पोरीफेरा स्पॉन्ज। ठीक है, उसके बाद में इवोल्यूशन के दौरान जो कोशिकाएं हैं वो इकट्ठी होकर के उत्तक के रूप में बदली और उत्तक जो है उसके अंदर समान प्रकार की कोशिकाएं जो एक प्रकार एक जैसा फंक्शन प्रदर्शित करती हैं उन्होंने मिलकर के क्या बनाया, उत्तक बनाया, सेल्स का समूह, सेल्स का समूह जो है टिश्यू के रूप में बदला। और इस प्रकार का जो संगठन था वो किस में डेवलप हुआ, सिलेंट्रेट में तथा टीनोफोरा में।
सिलेंट्रेट और टीनोफोर के अंदर इस प्रकार का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का स्तर है, वो विकसित हुआ। फिर उद्विकास के दौरान जीवों में और जटिलताएं आई, क्योंकि आपको पता है कि उद्विकास के दौरान जो जीव हैं वो सरल से जटिल हुए हैं और जीव सरल से जटिलता की तरफ बढ़े हैं, है ना। तो उत्तक फिर मिलकर के अंगों में बदला, तो उत्तक जो है वो फिर किस में बदल गया, ऑर्गन में, अंग में। और ये जो अंग है ये विशिष्ट प्रकार के जो कार्य हैं, विशिष्ट प्रकार के फिजियोलॉजिकल जो कार्य हैं, उनको संपादित करने लग गए। और अंग तंत्र प्रकार का जो संगठन था वो किसमें विकसित हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, चपटे कृमि, ठीक है ना। तो जब आप लोग ये लेक्चर देखें तो उसके साथ साथ आप लोग जो है वो एनसीईआरटी भी ओपन रखें, ताकि वहाँ पर आपको ट्रैक करना है कि जैसे जैसे हम लोग आपको पढ़ाते जाते हैं, आपको जो है इस चीज़ों को रिवाइज करके एनसीईआरटी को भी इसके अकॉर्डिंग जो है वो रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, प्लेटी एलमेंथीज के बाद में आप लोग देखें कि जब एस के एलमेंथीज के सदस्य आए तो उनके अंदर फिर जो अंग थे वो मिलकर के अंग तंत्र के रूप में स्थापित हो गए। और अलग जो मतलब जैसे अंग हैं इनमें आने के बाद में उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। अब जैसे मैं कहूँ कि है ना यहाँ पे स्टमक है, आमाशय है, इसोफेगस है, छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र, तो लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब अलग अलग अंग है और ये मिल जाएंगे तो अंग तंत्र बन गया। जैसे एक अंग तंत्र है, एक सिंगल, या मैं कहूं सिंगल ऑर्गन सिस्टम एक विशिष्ट कार्य करता है, एक विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे पाचन तंत्र पाच भोजन के लिए, श्वसन तंत्र श्वसन के लिए, उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन के लिए, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से जीवों के अंदर सबसे पहले सेलुलर ग्रेड था, फिर टिश्यू ग्रेड हुआ, फिर ऑर्गन हुआ और फिर ऑर्गन सिस्टम बना। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो एस के एलमेंथी से लेकर के पूरे कॉर्डेट तक पाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें या आपको इसका जो PDF है वो भी मिल जाएगा। ओके, अब आप लोग देखें कि संगठन के स्तर के अंदर जो है एनसीईआरटी ने जहाँ पर ऑर्गन सिस्टम की बात की है, एस के एलमेंथी से लेकर के सारे कोऑर्डिनेट, तो देखें कि वो जो ऑर्गन है एस के एलमेंथी से जैसे जैसे हम लोग एनलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेट, फिर हेमिकोर्डेट और फिर कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, उनमें जटिलताएँ आती जाती हैं। जैसे दो प्रकार के हम लोग यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे एक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भोजन के पाचन से संबंधित होता है। तो जीवों में ये दो प्रकार का होता है, तो जो शुरुआत में विकसित हुआ वो इनकम्प्लीट था, अपूर्ण, और जो बाद में विकसित हुआ वो पूर्ण था। इनकम्प्लीट का मतलब है कि इसमें एक कॉमन छिद्र उपस्थित होता है, इसमें कॉमन छिद्र होता है और ये जो कॉमन छिद्र होता है ये कॉमन छिद्र माउथ भी है और ये कॉमन छिद्र एनस भी है, यानी इसी से भोजन प्रवेश करेगा और इसी से उत्सर्जित उत्पाद बाहर निकलेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देखें कि जैसे ये एक एनीमोन है, एनीमोन एक सिलेंट्रेट है, तो आप लोग देखें कि इसके अंदर यही माउथ है और यही एनस है, यहीं से भोजन का प्रवेश होगा और यहीं से भोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं, देखा कि
इस तरीके से ये है, यहाँ पर एक छिद्र है, इसी से प्रवेश, इसी से निष्कासन। तो इसमें देखें कि प्रवाह जो हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल हो रहा है, बाई डायरेक्शनल प्रवाह हो रहा है ना। और इसी प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। और ये एक जो बॉडी का जो प्लान है इसको ब्लाइंड सेक भी कहते हैं। ब्लाइंड शेक प्रकार, ब्लाइंड शेक का मतलब है अंधकोश। ये क्या है, यहां से देखो यहां पे कोई छिद्र नहीं है ना, तो ये ब्लाइंड है, अंधकोश प्रकार का है, तो इसको ब्लाइंड शेक भी कहते हैं, ब्लाइंड शेक। तो ये जो इनकम्प्लीट प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये क्या है कि इसमें एक ही कॉमन छिद्र होता है जो माउथ और एनस की तरह व्यवहार करता है ना। और इसमें अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो कौन है इसके अंदर, सिलेंट्रेट है, इसमें टीनोफोर है, टीनोफोरा, और इसके अंदर है प्लेटी हेलमेंथीज, पीएचटी का मतलब है चपटे कृमि, प्लेटी हेलमेंथीज, वो भी ब्लाइंड शेक के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट प्रकार का हुआ, ऑर्गन सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हुआ, और कंप्लीट प्रकार का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर मुख व गुदा अलग अलग विकसित हुए, अलग अलग विकसित, मुख अलग हुआ और गुदा अलग हुआ। जैसे हम लोगों ने यहां पर इस फिश की बात की है, तो इस फिश में देखो कि यहां पर ये इसका मुख है, और अंदर की तरफ अगर हम लोग इसके आहार नाल को शो करें, ऐसे ये अमाशय आ गया, ये आंत्र आ गई, और फिर ये एनस के रूप में यहां पर खुल गया, तो ये हो गया एनस, समझ रहे हो। तो ये जो पाचन तंत्र हो गया ये कंप्लीट प्रकार का होता है, पूर्ण प्रकार का होता है, जिसमें मुख अलग है और गुदा अलग है। और इनका जो देह प्लान है, देह प्लान, उसको क्या बोलेंगे, नली में नली, ट्यूब में ट्यूब। जैसे बाहर की तरफ बॉडी एक ट्यूब है, उसके अंदर एक ट्यूब और है, बाहर एक ट्यूब, अंदर एक ट्यूब, और बाहर की तरफ खुद बॉडी है, तो बॉडी एक ट्यूब और उसके अंदर एक ट्यूब और है, और ये ट्यूब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है। तो इस प्रकार के जो जीव जिनमें कंप्लीट प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये एसके एलिमेंथीज से लेकर के सारे कोऑर्डिनेट तक होते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख देता हूँ कि जो पूर्ण प्रकार के होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है गोल कृमि जो है, एसके एलिमेंथीज से लेकर सभी कोऑर्डिनेट्स, सभी कोऑर्डिनेट्स। अब जो पूर्ण प्रकार के पाचन तंत्र वाले जीव होते हैं, इसमें भी आहार नाल में पहले मुख बना है, बाद में गुदा बना है, इस आधार पे भी जीवों को जो डिवाइड किया गया है। तो अगर हम लोग उसकी बात करें जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब वाले जो हैं, ट्यूब में ट्यूब, तो ये दो प्रकार के हैं, एक तो है प्रोटो स्टोमेट और एक होते हैं ड्यूटेरो स्टोमेट। तो जो प्रोटोस्टोमेट होते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसमें फर्स्ट जो डेवलप होता है वो होता है माउथ, और बाद में जो डेवलप होता है वो होता है एनस। और प्रोटोस्टोमेट कहां से कहां तक है, ये एसके एलिमेंथीज से लेकर के जो है आपके मोलस्का तक होते हैं प्रोटोस्टोमेट। और फिर ड्यूटेरोस्टोमेट की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट जो डेवलप होता है वो होता है एनस, और बाद में जो डेवलप होता है वो होता है माउथ। और ये कहाँ से कहाँ है, ये इकाइनोडर्मेट से लेकर सारे कोऑर्डिनेट तक होते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस प्रकार के, हम लोग ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं। चले आगे,
तो ये अपन ने किसकी बात करी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब ऑर्गन सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि शुरुआत में जो ब्लड सर्कुलेशन विकसित हुआ वो ओपन था, बाद में वो क्लोज हो गया, जैसे पोरीफेरा, सिलेंड्रेट, टीनोफोर, प्लेटीएलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, यहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन विकसित हुआ ही नहीं। पहली बार ब्लड सर्कुलेशन जो विकसित हुआ वो एनेलिडा में हुआ, समझ रहे हो? तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन भी दो प्रकार का होता है, खुला प्रकार का और बंद प्रकार का। अगर हम लोग कंपेयर करें तो जैसे ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, तो इनमें रक्त दाब होता है कम और बंद प्रकार में रक्त दाब होता है ज्यादा। फिर अगर हम लोग केशिकाओं की बात करें, केशिकाएं, कैपिलरी बोलते हैं इनको हिंदी में, तो यहाँ पर केशिकाएं अनुपस्थित हैं। देखो यहाँ पर केशिकाएं है ही नहीं, और इनमें केशिकाएं उपस्थित हैं, ये देखो ये कैपिलरीज होती हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि ब्लड प्रेशर हो गया, केशिकाएं हो गई, तो ओपन प्रकार का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें देखें कि उसमें जो रक्त है वो कुछ दूरी तक रक्त वाहिनियों से बहता हुआ फिर उत्तकों के बीच में आ जाता है, और उत्तक जो है वो रक्त के अंदर डूब जाते हैं, और फिर वो रक्त इन कैपिलरी, इन रक्त वाहिनियों से होता हुआ वापस जो है वो आपके हृदय की तरफ पहुंचता है। ये डायरेक्शन थोड़ा उल्टा हो गया, इस तरीके से वापस वो रक्त जो है वो पहुंच जाता है, किस तरफ, हार्ट में। अब आप लोग देखें कि रक्त कोटर, इसको साइनोसोइड कहते हैं, साइनोसोइड, तो इनमें रक्त क्वार्टर जो हैं वो उपस्थित हैं। रक्त क्वार्टर वो होते हैं, वो खुला स्थान होता है जिसके अंदर रक्त भरा हुआ होता है, जिसमें कोशिकाओं के चारों तरफ जो वो रक्त फैला हुआ होता है, और वहीं से वो गैसियस एक्सचेंज और अन्य सामग्रियों का जो आदान प्रदान है वो करते हैं। तो रक्त क्वार्टर यहाँ पर हैं, लेकिन इनमें रक्त क्वार्टर जो है वो अनुपस्थित है, माइनस का मतलब अनुपस्थित है, ठीक है, ओके। फिर आप लोग देखें कि इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो स्लो होते हैं, जिनके अंदर खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है, और जिनमें बंद प्रकार का होता है, ये जीव कैसे होते हैं, ये फास्ट होते हैं, ये तेजी से कार्य कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो इनमें रक्त जो है वो अलग अलग डायमीटर की रक्त वाहिनियों से होता हुआ बहता है, लेकिन उनको छोड़कर के बाहर नहीं आता, ऐसा एनसीईआरटी लिखा है, और इसमें कुछ दूरी तक रक्त रक्त वाहिनियों से होता हुआ और फिर उनसे बाहर निकल जाता है कोशिकाओं के बीच में, ठीक है। अगर हम लोग ओपन प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, अगर उदाहरण में है ना, तो ये किस किस में, तो ये है जैसे आपके ऑर्थोपोड्स, उसके बाद में नॉन सीफेलोपोड्स, मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, और फिर हेमिकोर्डेट, हेमिकोर्डेट्स, और एक है ट्यूनिकेट्स, कॉर्डेट्स के अंदर। तो इनके अंदर ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्लोज प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन है, एनेलिडा क्लोज है, फिर सिफेलोपोड मोलस्क, सिफेलोपोड्स मोलस्क क्लोज प्रकार का है ना, और उसके बाद में कॉर्डेट्स, इनमें भी क्लोज प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे भी जो जीव हैं उनके अंदर आप लोग देखें कि ये ऑर्गन सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले सिंपल था और बाद में कॉम्प्लेक्स हुआ, ओके। अगले करेक्टर की बात करते हैं जो है सममिति, सममिति, सिमिट्री जो है, अगर उसकी बात करें तो जीवों के जो है उनके अंदर अलग अलग प्रकार से ही होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले ऐसे जीव थे जो असममितीय थे, एसिमेट्रिकल, इनके अंदर कोई सममिति नहीं होती, इनको किसी भी एक्सिस से दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, असममित, और इसमें कौन होते हैं, ज्यादातर स्पॉन्ज। इनको किसी भी एक्सिस से जो है मतलब किसी भी बॉडी प्लेन से दो बराबर भाग में बांटा नहीं जा सकता, किसी भी तल से दो हिस्सों में अगर बांटा नहीं जा सकता तो उनको बोलते हैं असममित। ये शुरुआत के अंदर विकसित हुए थे, और फिर जो जीव आए वो रेडियल सममिति वाले थे, रेडियल। तो रेडियल सममिति की बात करें तो इनको कई प्लेन से, कई तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, लेफ्ट और राइट, जैसे इनको इस तल से, इस प्लेन से
दो बराबर भाग में बांटा जा सकता है लेफ्ट और राइट, या फिर इस तल से भी दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है लेफ्ट और राइट, इसमें भी बांटा जा सकता है। तो कई तल से जब समान भागों में बांटा जाए तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जीवों को बोलते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, रेडिएटा, रेडिएटा। और ये जो जीव होते हैं वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब है स्थानबद्ध, स्थानबद्ध, एक स्थान पे ही जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो हैं वो बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार, समझ रहे हो। तो सिसाइल सिमेट्री जो होती है, सॉरी सिसाइल जो इनका लाइफ होता है जिसमें वो एक स्थान पे ही होते हैं, और सिलेंड्रिकल इनका शरीर होता है, तो चारों तरफ से ये इस सिमेट्री की वजह से अपने चारों दिशाओं को ये सेंस कर पाते हैं भोजन के लिए। किसी प्रकार का आक्रमणकारी जीव अगर इनकी तरफ बढ़ता है तो उसको भी ये सेंस कर पाते हैं। तो रेडियल सिमेट्री किस प्रकार के आवास में सहायक होती है, सिसाइल के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें एक ही सेंट्रल एक्सिस से एक बॉडी प्लान से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता, केवल एक तल से राइट और लेफ्ट भाग के अंदर। तो इस प्रकार की सममिति को बोलते हैं बाइलेटरल, है ना। और ये जो है, जैसे समुद्र तल से जीव मुक्त हुए, वो गति करना शुरू कर दिया और एक विशिष्ट दिशा में वो जा रहे थे, तो जिस दिशा में वो बढ़ते हैं उस तरफ, उस दिशा को सेंस करने के लिए, फूड के लिए, प्रेडेटर के लिए, उनमें सिर बन गया, सिविलाइजेशन हुआ, समझ रहे हो। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो किससे संबंधित है, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, शिरोभवन जिसको बोलते हैं, सिविलाइजेशन, शिरोभवन, समझ रहे हो। और बाइलेटरल, अगर हम लोग रेडियल सिमेट्री की बात करें तो ये सिलेंट्रेट में है, टिनोफोर में है, और वयस्क इकाइनोडर्मेट में होती है, ठीक है। और बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो ये आपका प्लेटी एलिमेंथी से लेकर के सारे कोर्डेट में आ जाती है। बीच में कुछ एक्सेप्शन, जैसे इकाइनोडर्मेट में लार्वा बाइलेटरल होता है और वयस्क जो होते हैं वो जो हैं रेडियल सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिमेट्री की बात हो गई है, ओके। अब अगर हम लोग देखें कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, और फिर उस एम्ब्रियो के अंदर विदलन विभाजन की वजह से अलग अलग जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो अगर दो जनन स्तर बने तो इनको बोलते हैं द्विकोरकी डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, अगर दो जनन स्तर बने, है ना। तो दो जनन स्तर में आप लोग देखें कि बाहर की तरफ तो बनता है एक्टोडर्म आउटर, जो ये वाला है, और अंदर की तरफ जो बनता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म इनर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक एसेलुलर मेसोग्लिया होती है, एकोशिकीय, एसेलुलर, जिसका कोई विशिष्ट फंक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, सिलेंट्रेट और टिनोफोर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फिर इन जीवों के अंदर एक और तीसरा स्तर बन गया, पहला ये था, तीसरा अंदर की तरफ ये था, तो एक्टो और एंडो के बीच में एक मिडल लेयर बन गई जिसको बोला मेसोडर्म, मिडल, समझ रहे हो। और इस तरीके से ये जीव त्रिकोरकी हो गए। तो त्रिकोरकी जो जीव विकसित हुए वो पहली बार कहां से हुए, प्लेटी एलिमेंथी, चपटे कृमि से जो है पहली बार त्रिकोरकी ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव विकसित हुए। तो प्लेटी एलिमेंथी से लेकर के सारे कोर्डेट इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रगुहा देहगुहा। तो देखें कि जैसे ये बॉडी वॉल है, इसको बोल दिया बॉडी वॉल, और यहां पर बीच में ये है गट वाला भाग। तो बॉडी वॉल और जो गट है उसको अंदर से कवर जो करती है वो मेसोडर्म करती है। जैसे ये बाहर की तरफ मेसोडर्म हो गई और ये गट को कवर कर रही है मेसोडर्म, इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम और इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। और उनके बीच में ये जो भाग है उसी को बोलते हैं देहगुहा, और इस देहगुहा में तरल पाया जाता है जिसको सिलोमिक फ्लूड कहते हैं। इस देहगुहा की वजह से हमारे जो अंग है उनकी सुरक्षा होती है ना, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। तो अगर ये देहगुहा किसी के अंदर अब्सेंट है तो अदेहगुही असिलोमेट इनमें देहगुहा नहीं पाई जाती, समझ रहे हो। और इसमें आप लोग देखें
कि जैसे एक्टोडर्म है, ये एक्टो है, फिर अंदर की तरफ ये एंडो है, और फिर बीच में ये आ गया मीजो है। तो मीजोडर्म यहाँ पर एक तरीके से ठोस है, सॉलिड है, और वो किसी प्रकार की केविटी में बंटी नहीं है, तो इनको बोलते हैं एदेगुइये। और उदाहरण क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। फिर देखो कि जो मीजोडर्म है वो कुछ पाउच में टूट गई है, लेकिन इस मीजोडर्म ने बॉडी वॉल और गट को कवर नहीं किया है, ऐसे कवर नहीं किया, इसी सिलोम को बोलते हैं स्यूडोसिलोम, समझ रहे हो। तो इसके अंदर जो इस कूट देह हुई है बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, तो इसमें वास्तविक देह हुआ अब्सेंट है, वास्तविक देह है गुहा अनुपस्थित है, और मीजोडर्म जो है वो बिखरे हुए पाउच के रूप में होती है, बिखरे हुए पाउच के रूप में होती है ना। तो इस प्रकार की सिलोम को जो है वो स्यूडोसिलोम कहा गया, और इसके अंदर कौन होते हैं, गोल क्रीमी, गोल क्रीमी है ना, एस्केलमेंथी जो ऐसी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग देखें कि वास्तविक देह गुहा बनी, इसको सिलोमेट बोलते हैं, तो इनके अंदर वास्तविक देह गुहा जो पाई जाती है, और इसके अंदर आप लोग देखें कि जो बॉडी वॉल है उसको भी मीजोडर्म ने कवर कर रखा अंदर से, इसको बोल दिया पेराइटल पेरिटोनियम, और ये गट वाला जो भाग है इसको भी मीजोडर्म ने कवर कर रखा है, इसको बोल दिया विसरल पेरिटोनियम, और इन दोनों के बीच में आप लोग देखो ये सिलोम पाई जाती है ना, तो ये सिलोमेट है। और ये कहाँ से विकसित हो गए, ये एनेलिडा से लेके सारे कोर्डेट तक होते हैं। कुछ जीवों के अंदर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाती है, फिर सिलोम बनती है, उनको साइजोसिलोमेट कहते हैं, और ये साइजोसिलोमेट जो है वो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का होते हैं। और कुछ के अंदर ये जो सिलोम है वो ये जो गट वाला भाग है इससे बनती है बाहर पाउच के रूप में, उनको एंटेरोसिलोमेट कहते हैं, और ये इकाइनोडर्मेट से लेकर के सारे कोर्डेट तक होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर किसके लिए, सिलोम के लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेगमेंटेशन खंडी भवन के लिए, सेगमेंटेशन खंडी भवन। तो अगर जिनमें सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है, जिनमें सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है उनको बोलते हैं अनसेगमेंटेड, नॉन सेगमेंटेड। और ये जो हैं वो कौन कौन है, जैसे हम लोग कहें कि पोरीफेरा से जो है लेकर एसके एलमेंथीज तक, उसके बाद में मोलस्का, फिर इकाइनो, और फिर हेमिकोडेट, तो इनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। तो जिनमें सेगमेंटेशन नहीं होता मतलब शरीर जो है वो खंडों में विभक्त नहीं होता है, आप लोग देखें कि सेगमेंटेशन में शर्त ये होती है कि जो बॉडी है वो बाहर से भी सेगमेंट में डिवाइड हो और अंदर से भी सेगमेंट में डिवाइड हो, और कुछ ऑर्गन बार बार जो है वो रिपीट हो, इस प्रकार के खंडी भवन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और ऐसे खंड जो है उनको बोलते हैं मेटामियर, मेटामियर। तो मेटामियर तो कौन है, खंड है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, विखंडी खंडी भवन, मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। तो इसमें देखो यहाँ पर बाहर से आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग सेगमेंट नजर आ रहे हैं, समझ रहे हो। सबसे अच्छा जो सेगमेंटेशन दिखाई देता है वो किस में दिखाई देता है, एनेलिडा में, ठीक है। इसके अलावा ऑर्थोपोड में भी सेगमेंटेशन होता है, ऑर्थोपोड्स, और इसके अलावा कोर्डेट्स में भी सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो सेगमेंटेशन का मतलब है कि शरीर बाहर से भी खंडों में बंटा हो, अंदर से भी खंडों में बंटा हो, और कुछ ऑर्गन बार बार उसके अंदर उनकी पुनरावृत्ति, ठीक है। तो ये बात हो गई सेगमेंटेशन के लिए। सेगमेंटेशन के बाद यहाँ पे नीचे पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड। तो देखो कि जो नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु होती है वो एम्ब्रियो की डोर्सल साइड उपस्थित होती है, यहाँ ऊपर की तरफ डोर्सली प्रेजेंट होती है, पृष्ठीय डोर्सल साइड कौन प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड। और ये नोटोकॉर्ड भ्रूण को सहारा देती है, और ये मीजोडर्म से बनी हुई ठोस छड़ होती है जो बाद में वयस्क के अंदर वर्टिबल कॉलम बनाती है। तो जिनके अंदर
नोटोकोड पाई जाती है वो तो हो गई कोर्डेट्स, और जिनके अंदर नोटोकोड नहीं पाई जाती है वो हो गए नॉन कोर्डेट्स, समझ रहे हो। तो नोटोकोड भी जंतुओं के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में महत्वपूर्ण रोल जो वो अदा करती है। चले आगे। ओके, अब एनसीईआरटी ने आगे एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात की है। आप लोग देखें कि जो एनिमल या मल्टी सेलुलर होते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले संगठन के स्तर की बात करें जो कि सिंपल प्रकार का होता है, आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि पहले संगठन का स्तर लिया, फिर सम्मिति ली, फिर सिलोम ली, और फिर इनके फाइलम की बात हुई है। तो देखें, सबसे पहले जो सेलुलर ग्रेड के जीव होते हैं, हम उनमें सम्मिति की बात नहीं करेंगे, देहगुहा की बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो सिंपल प्रकार के होते हैं, और वो कौन है, पोरी फेरा, ठीक है। उसके बाद देखें कि कोशिकीय स्तर के बाद में उत्तक या अंग या ऑर्गन सिस्टम बना, और ये सभी जीव जो हैं इनमें हम लोग किसकी बात शुरू कर देंगे, सम्मिति की। तो जो शुरुआती जिनके अंदर उत्तक प्रकार का संगठन था वो कैसी सम्मिति प्रदर्शित कर रहे थे, अरे रेडियल, और जो रेडियल सम्मिति प्रदर्शित कर रहे हैं उनमें हम लोग सिलोम की बात नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन है, सिलेंट्रेट जिनको नाइडेरियन भी कहते हैं, और टीनोफोर, समझ रहे हो। फिर आप लोग देखें कि जैसे ही सम्मिति बाइलेटरल हुई, यानी प्लेटीएलमेंथीज, और प्लेटीएलमेंथीज है इसका मतलब उनके अंदर अंग और कुछ ऑर्गन सिस्टम भी विकसित हो गए हैं, इनमें सॉलिड मेसोडर्म होती है प्लेटीएलमेंथीज के अंदर, इनको एगुहीय कहते हैं बिना गुहा के, और कौन है, प्लेटीएलमेंथीज। फिर देखें कि बाइलेटरल तो हैं और देहगुहा कुछ बिखरे हुए पाउच के रूप में, स्यूडोसिलोम, तो कौन है, एसके हेलमेंथीज। और फिर वास्तविक प्रकार की देहगुहा विकसित हुई, और वो कहाँ से विकसित हो गई थी, एनेलिडा से, लेकिन एनेलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का ये जो है वो किस प्रकार के हैं, ये हैं साइजो, साइजो सिलोमेट, क्योंकि इसमें मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, और इकाइनोडर्मेट, हेमिकोडेट, ये सारे के सारे कैसे हो गए हैं, एंटेरो, एंटेरो सिलोमेट, ठीक है। तो ये एक एनसीईआरटी के अंदर फ्लो चार्ट दे रखा है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, चले आगे। ओके, तो अब हम लोग पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेट, फिर टीनोफोर, फिर प्लेटीएलमेंथीज, और फिर एस्केलमेंथीज, और एनेलिडा की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहला जो फाइलम है वो पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब है कि छिद्र युक्त शरीर, छिद्र युक्त शरीर। आप लोग देखें कि काफी सारे इनके शरीर के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, पोर बियरल, लगभग 5000 प्रकार की प्रजातियां इस संख्या अंदर सम्मिलित है। तो सबसे पहले अगर इनके आवास की बात करें तो ये जलीय होते हैं, और जलीय आवास के अंदर भी ज्यादातर कैसे होते हैं, समुद्री, ज्यादा समुद्री, और कुछ ताजा जल वाले, ताजा जल, और ताजा जल की बात करें तो उसके अंदर एक्सेप्शन कौन है, मतलब उसमें कौन आता है, स्पोंजिला, ताजा जल की जो स्पोंज है, स्पोंजिला आपको याद रखना है। सम्मिति इसमें अब्सेंट होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं, संगठन इसके अंदर सेलुलर प्रकार का होता है, है ना, सेलुलर ग्रेड। शरीर की संरचना की बात करें तो आप लोग देखें कि इनके शरीर पर कई छिद्र होते हैं, कई छिद्र, और जो कई छिद्र हैं इनको बोलते हैं ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया जो है इनसे जल का प्रवेश होता है, जल का प्रवेश, और इन्हीं से जल जो अंदर जाता है, और इनके अंदर की तरफ एक पैरागेस्टिक केविटी होती है जिसके अंदर जल जाता है, और फिर वो एक छिद्र ऊपर की तरफ है, सिंगल ऑस्कुलम, इस छिद्र से वो जल बाहर आ जाता है। तो जल यहां से आउट और जल यहां से अंदर प्रवेश करता है, यानी इस तरीके से आप लोग देखें इनकी बॉडी की केविटी होती है, ये जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, इससे फ्लूड अंदर आया और यहाँ से जल बाहर आया, तो ये जो है वो बोलेंगे पैरा गैस्ट्रिक केविटी, ठीक है ना, स्पोंजोसील भी इसको कहते हैं, और इसके अंदर की तरफ एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका का आवरण होता है जिसको कोलर कोशिका कोइनोसाइट कहते हैं, वो फ्लैजिलेटेड सेल होती है जो इसकी जो पैरागेस्टिक गुहा है उसको भी लाइन करती है, और इसकी जो केनाल है उनको भी आश्रित करती है,
ठीक है। तो ये शरीर की संरचना के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। तो आपको याद रखना, कई छिद्र जो है वो ओष्ठी है और एक छिद्र जो है वो कौन है, ओस्कुलम। विशेष लक्षण की अगर बात करें हम लोग इसके अंदर, तो इसके अंदर केनाल तंत्र पाया जाता है, केनाल तंत्र या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, और इसके अंदर रीजनरेशन की पावर भी पाई जाती है। एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है जिसको बोलते हैं आर्कियोसाइट। क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट्स। और ये टोटिपोटेंट कोशिका होती है, और इस कोशिका की वजह से ही जो है इनके अंदर रीजनरेशन होता है। अगर स्पॉन्ज के कई टुकड़े कर दिए जाएं तो आर्कियोसाइट की वजह से नए स्पॉन्ज उनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने विशिष्ट लक्षण तक बात कर ली है। फिर पाचन तंत्र की बात करें तो इनके अंदर इंट्रा सेलुलर, कोशिका के अंदर भोजन का पाचन होता है, इंट्रा सेलुलर भोजन पाचन होता है सेल के अंदर, समझ रहे हो। और ये एक प्रकार के फिल्टर फीडर होते हैं, जल के फिल्ट्रेशन से भोजन को पकड़ के खाते हैं। फिर जनन की बात करें तो इन ये जो है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, और वो किस तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन से। और इसके अलावा इनके अंदर जेम्यूल भी बनती है, जेम्यूल इसको बोलते हैं आंतरिक बड, आंतरिक बड बनती है विषम परिस्थितियों के अंदर, वो आंतरिक बड बनती है। इसमें एक वॉल बाहर होती है, एक अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ आर्कियोसाइट्स होती हैं, और विषम परिस्थितियों में ये आर्कियोसाइट की सुरक्षा की जाती है। जब परिस्थितियां नॉर्मल आती हैं तो आर्कियोसाइट बाहर आकर के उनके डिवीजन से जो है वो नए जीव जो बन जाते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई। सेक्सुअल की अगर बात करें तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, उभयलिंगी होते हैं, नर और मादा जनांग एक ही शरीर में होता है। बाहर पानी में युग्मकों को स्रावित किया जाता है, बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सॉरी, बाहर युग्मकों मतलब बाइसेक्सुअल होता है, और युग्मकों को जो है नर युग्मक पानी से बाहर आ जाते हैं ओस्कुलम से, और फिर वो नर युग्मक तैरता हुआ दूसरे स्पॉन्ज जो है उसके ओस्टिया की मदद से उसके दूसरे स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर आ जाता है। तो निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है लेकिन क्रॉस प्रकार का होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा अवस्था पाई जाती है, पेरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला ऐसे लार्वा होते हैं, हालांकि एनसीएलटी में तो नहीं दे रखे, ठीक है। तो ये जनन की बात हो गई। उदाहरण में आपको याद रखना है साइकोन जिसको साइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला ताजा जल वाली है, ताजा जल वाली स्पॉन्ज होती है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज लिखा भी है, और यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज भी इसको कहते हैं, नहाने में इसको काम में लिया जाता है ना। तो ये आप लोग देखें कि ये साइकोन है, ये यू स्पॉन्ज या बाथरूम स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला ताजा जल वाली स्पॉन्ज होती है, बस इतना आपको इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। तो एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका आर्कियोसाइट होती है जो इनके अंदर रीजनरेशन के लिए जिम्मेदार होती है। अगले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सिलेंट्रेट नाइडेरियंस, आवास की बात करें तो ये भी जलीय आवास में पाए जाते हैं, और ज्यादातर कैसे होते हैं, ज्यादातर समुद्री होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, ताजा जल वाले कुछ होते हैं। और इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, हाइड्रा। जैसे स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, वैसे हाइड्रा फ्रेश वाटर प्रकार में रहने वाला सिलेंट्रेट है। संगठन की बात करें तो इनके अंदर टिश्यू ग्रेड का संगठन पाया जाता है, सम्मिति इनके अंदर रेडियोलॉजी हम लोग बात कर चुके हैं, जनन स्तर ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडम है और एंडोडम है, मिजोडम नहीं है, मिजोग्लिया पाई जाती है। शरीर रूप की बात करें तो इनका शरीर दो रूप में होता है, एक को तो बोलते हैं पॉलिप, एक को बोलते हैं मेडूसा, पॉलिप और मेडूसा। तो देखें कि जो पॉलिप है वो सिलेंड्रिकल है और मेडूसा छतरी के समान है, ये सिसाइल होता है, एक जगह पे जुड़ा हुआ रहता है, और ये मुक्त रूप से तैरने वाली होती है। फिर आप लोग देखिए, अगर इसके कार्य की बात करें तो ये जो है सुरक्षा करता है, इसके अलावा अलैंगिक जनन करता है, इसके अलावा पोषण जो है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। तो पोषण, अलैंगिक जनन और सुरक्षा प्रोटेक्शन, ये तीन कार्य पॉलिप वाली स्टेज करती है। मेडूसा की अगर बात करें जो मुक्त रूप से तैरने वाली अवस्था है, तो ये क्या कार्य करेगी,
ये करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आप लोग देखें कि ये तो बात होगी यहाँ पर ये। अब आप लोग देखें कि जो पॉलिप और जो मेडूसा है, कुछ सिलेंट्रेट के लाइफ में ये दोनों अवस्थाएं होती हैं, और पॉलिप मेडूसा को बना सकता है और मेडूसा पॉलिप को बना सकती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, पीढ़ी का अंतरण लैंगिक और अलैंगिक के बीच में। हालांकि ये भी 2N है और ये भी क्या है? 2N है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसको बनाएगा, लैंगिक जनन से, लैंगिक जनन से पॉलिप मेडूसा को बनाता है, सॉरी मेडूसा जो है, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या? उल्टा कर दिया यहाँ पे, इसको सही कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका मेडूसा और ये हो गया आपका पॉलिप, ठीक है। तो मेडूसा लैंगिक रूप से पॉलिप को बनाता है, और पॉलिप जो है वो अलैंगिक रूप से, असेक्सुअली, अलैंगिक रूप से किसको बना देता है? पॉलिप मेडूसा को। इस तरीके से ये पीडीए का अंतरण में चलता रहता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें केवल पॉलिप होता है, तो केवल पॉलिप, जिनके लाइफ साइकिल में जिनमें केवल पॉलिप अवस्था होती है वो कौन है? जैसे हाइड्रा, सी एनीमोन। कुछ के लाइफ में केवल मेडूसा होती है, मेडूसा स्टेज, इनमें कौन आएगा? जैसे ओरिलिया, जेलीफिश बोलते हैं, ओरिलिया जेलीफिश, जैसे ये वाली। और कुछ के लाइफ में पॉलिप व मेडूसा दोनों होते हैं, और जिनमें पॉलिप और मेडूसा दोनों होते हैं वो कौन है? जैसे ओबेलिया, और एक है फाइसेलिया, फाइसेलिया, इसको पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। तो जिनके लाइफ स्पेन में पॉलिप मेडूसा दोनों होते हैं वो मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हो? पीडी एकांतरण, याद रख लेना इसको भी। ओके, तो इनके बाद में पाचन की बात करें तो इनके अंदर सबसे पहले जो पाचन होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, कोशिका के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? गैस्ट्रो वैस्कुलर गुहा में, गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा इसके अंदर होती है, यहाँ पर है ना। गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा जो होती है वो, जैसे ये गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा में पाचन होता है। उसके बाद में दूसरे सेकेंड टाइम जो पाचन होता है वो सेल के अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर प्रकार का फूड डाइजेशन। तो पोरीफेरा में इंट्रा है, सिलेंट्रेट में दोनों है, पहले एक्स्ट्रा है और बाद में इंट्रा है, ठीक है। फिर जनन की बात करें तो इनके अंदर लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। और अगर लैंगिक जनन के अंदर बात करें तो ये भी बाईसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, कुछ में, ज़्यादातर में डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है प्लैनुला लार्वा से, कुछ में डायरेक्ट हो सकता है, जैसे हाइड्रा जो है उसमें लार्वा नहीं पाया जाता, उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये इनके लिए बात हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है जिसको बोलते हैं नाइडोसाइट या निडोसाइट, दंश कोशिका। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं और इनकी जो बॉडी की वॉल होती है, इन पे ये दंश कोशिकाएं पाई जाती है, और इसके अंदर जो है वो जहर, एक प्रकार का टॉक्सिन भरा होता है, और इस धागे से, इस थ्रेड से जो ये है प्रे के अंदर उस जहर को पहुंचा देती है। तो ये कोशिका इनकी सुरक्षा के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए और चलते वक्त किसी स्थान पर रुकने के लिए जो वो मदद करती है। एनसीईआरटी ने इसके फंक्शन लिख रखे हैं, तो आपको इसके फंक्शन अच्छे से वहां पे दे रखे हैं, याद करने हैं ना। प्रोटेक्शन, डिफेंस और एडहेशन, स्थान पे रुकने में मदद करती है, और एक बार यूज में ले लिया तो इसको दोबारा काम में नहीं लाया जा सकता, फिर नहीं बनती है। इनमें एक टोटिपोटेंट प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जैसे पोरीफेरा में आर्कियोसाइट थी। इनके शरीर के अंदर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं इंटरस्टीटियल सेल, और इसी, ये कोशिका कैसी है? टोटिपोटेंट। इसकी वजह से जो ये जीव है वो रीजनरेशन प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है।
चलो, तो ये इनके जो है पाचन और जनन के लिए हम लोगों ने बात कर लिया। अब इसके एग्जांपल आपको याद रखने, पुर्तगाली युद्ध पौध फाइसीलिया आपको याद रखना है, एडेमसिया जिसको सी एनिमोन भी कहते हैं जो है ये रहा, फिर पिनेटुला, पिनेटुला जो है इसको सी पेन भी कहते हैं, ये पेन की कलम की तरह मदद दिखाई देता है, सी पेन, और इसको सी फिदर भी कहा जा सकता है, समुद्री पंख, पंख के समान भी नजर आता है। फिर एक है गोरगोनिया, इसको सी फैन भी कहते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है जो हवा से हवा करने वाला जो पंखा होता है ना हाथ वाला, इसलिए सी फैन। और फिर एक ब्रेन कोरेल है जो ब्रेन की तरह इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको मेंड्रिना बोला गया, ब्रेन कोरल। तो आपके इनके ये अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, चले आगे। सबसे छोटा फाइलम टीनोफोरा, जिसको समुद्री अखरोट या कोम्ब जेली भी कहते हैं, पहले इनको सिलेंट्रेट में रखा गया था लेकिन बाद में उनसे अलग कर दिया गया क्योंकि इनके अंदर नाइडोब्लास्ट नहीं पाई जाती, क्योंकि वो नाइडोब्लास्ट उनमें होती है इसलिए उनको नाइडेरियन कहते हैं, लेकिन इनमें नहीं है, है ना। तो इनके आवास की अगर बात करें तो ये केवल समुद्री हैं, ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं, ताजा जल में नहीं होते हैं। संगठन की बात करें तो इनमें टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, सम्मिति की बात करें तो ये रेडियल प्रकार के होते हैं, शरीर रूप की अगर बात करें तो इस तरीके से इनका शरीर होता है देखो, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और अंधेरे के अंदर ये लाइट जो है वो पैदा करते हैं। इनके शरीर के अंदर आप लोग देखें कि ये 8 रेडियल अरिये कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं और इन प्लेट्स जो हैं उन पे सीलिया पाए जाते हैं जुड़े हुए, फ्यूज्ड मतलब जुड़े हुए सीलिया, और इनकी मदद, इनका कार्य क्या है, ये लोकोमोशन में मदद करते हैं, संचलन में मदद करते हैं। इनके अलावा इनके पास ये दो और संरचनाएं, ये क्या है, एक प्रकार के टेंटेकल्स हैं, क्या बोलेंगे, टेंटेकल्स, ठीक है। तो ये लोकोमोशन से रिलेटेड यहाँ पर विशेष प्रकार की संरचनाएं हो गई है। पाचन की बात करें तो ये सिलेंट्रेट की तरह, पहले इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और बाद में इंट्रा सेलुलर पाचन होता है, ठीक है। ये भी डिप्लोब्लास्टिक हैं, है ना, दो जर्मिनल लेयर इनके अंदर होती है। विशेष लक्षण की बात करें तो ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करता है, इस फाइलम का लक्षण है बायोल्यूमिनेसेंस, कि अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करना किस संघ का महत्वपूर्ण लक्षण है, सिलेंट्रेट का, सॉरी ये टिनोफोरा का। हालांकि सिलेंट्रेट में वो है ना जेलीफिश, वो भी लाइट इमिट कर सकती है, लेकिन वो सभी का लक्षण नहीं है, ये इस पूरे फाइलम का लक्षण है, इस फाइलम के सभी सदस्य ऐसा कर सकते हैं। सिलेंट्रेट के अंदर एक लक्षण ये भी याद रखने की, कुछ कोरेल्स होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बाहरी कवच पाया जाता है, ठीक है। पोरीफेरा के अंदर बात करें, जो हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी, पोरीफेरा में एनसीईआरटी लिख रहा है कि एंडोस्केल्टन होता है, स्पिक्यूल्स का या स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है ना, और सिलेंट्रेट के अंदर एक्सोस्केल्टन कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जनन की अगर बात करें तो इनमें जो है केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, केवल सेक्सुअल, यानी इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये बाईसेक्सुअल होते हैं, उभयलिंगी, बाईसेक्सुअल उभयलिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा जननांग एक ही शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और निषेचन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल निषेचन होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है, पानी के अंदर निषेचन होता है। और डेवलपमेंट जो होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा पाया जाता है, इस लार्वा को बोलते हैं सिडिपिड, सिडिपिड लार्वा इनके अंदर होता है, ठीक है। प्लूरोब्रेंकिया जो आपको नजर आ रहा है, इसको सी गूजबेरी भी कहते हैं, और टिनोप्लेना, ये इसके अंदर कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला फाइलम है प्लेटी हेलमेंथीज, नंबर 4 पे। तो प्लेटी हेलमेंथीज के आवास की बात करें तो ये ज्यादातर पैरेसाइट होते हैं, पैरेसाइट, और कैसे पैरेसाइट, एंडो, फ्री लिविंग भी होते हैं, मुक्त जीवी, मुक्त रूप से पाए जाने वाले भी, और फ्री लिविंग ये कहाँ पे हो सकते हैं, ये जल में हो सकते हैं, ये स्थल भी है, भाग में भी पाए जाते हैं, है ना।
तो लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। जैसे फ्री लिविंग की बात करें जल के अंदर, तो आपका जो है प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग प्रकार का प्लेटीएलमेंथीज होता है। ये आप जो दोनों नजर आ रहे हैं ये पैरासाइट है, ये टीनिया सोलियम है टैपफॉर्म, और ये लिवर फ्लू का फेशियल आइपेटिका, ये एक एंडो पैरासाइट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर सम्मिति की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये कैसे सम्मिति प्रदर्शित कर रहे हैं, बाइलेटरल, फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सम्मिति प्रदर्शित करने वाले ये जीव हैं, है ना, द्विपार्श्व सम्मित प्रकार के। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय, एक्टोडर्म मिजोडर्म एंडोडर्म तीनों होती हैं, और मिजोडर्म इनके अंदर ठोस होती है, देह गुहा अब्सेंट होती है, एसिलोमेट होते हैं। संगठन की बात करें तो ऑर्गन व कुछ ऑर्गन सिस्टम लिखा है एनसीईआरटी ने पाया जाता है। परजीवी अनुकूलन की अगर हम लोग बात करें तो परजीवी अनुकूलन में इनके पास में एक तो होते हैं हुक्स तथा चुस्कांग सकर्ष। तो हुक्स की मदद से ये होस्ट के शरीर में जुड़ते हैं, और सकर्ष जो हैं इनकी मदद से जुड़ते भी हैं और भोजन का अंत ग्रहण भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो चपटे शरीर से भोजन अवशोषण करते हैं, इनको भोजन को पाचित करने की जरूरत ही नहीं है, ये पचा पचाया भोजन सीधा अपनी चपटी शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ये पैरासाइट हमारी आंत्र में होता है और पचा पचाया भोजन सीधा फ्लैट बॉडी सरफेस से अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, इसके अलावा होस्ट के शरीर के जो पाचक एंजाइम है वो इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके शरीर पर मोटा बॉडी आवरण पाया जाता है उपस्थित, जो होस्ट की बॉडी के पाचन एंजाइम से सुरक्षा करता है ना। तो थिक टैग्यूमेंट होता है जो होस्ट के एंजाइम से इसकी सुरक्षा करता है। और सबसे अच्छा अनुकूलन आपको पूछे तो वो है इनमें प्रजनन की अपार क्षमता पाई जाती है, हाई पावर ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। तो ये अनुकूलन से संबंधित अच्छा क्वेश्चन बनता है। उत्सर्जन की बात करें तो इनके अंदर सोलेनोसाइट्स युक्त प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, और ये उत्सर्जन के साथ साथ परासरण नियमन में भी सहायता करते हैं। और इनके लिए एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है जिसको बोलते हैं ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल। ठीक है, तो फ्लेम सेल किसका लक्षण है, तो आपको आंसर देना प्लेटी एलिमेंटीज। जनन की बात करें तो ये जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रदर्शित करते हैं उच्च रीजनरेशन के कारण, लिखा है एनसीईआरटी ने प्लेन एरिया। इसके अलावा लैंगिक जनन भी पाया जाता है, और ये जो जीव होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उभयलिंगी, और निषेचन शरीर के अंदर ही होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, बहुत सारी लार्वा अवस्था शरीर के अंदर पाई जाती है। एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, आप लोग एनसीईआरटी भी आपके सामने ओपन हो, है ना, इस तरीके से एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए जिससे ये लाइन टू लाइन आपको समझ में आए। इनके अलावा आपको कुछ नहीं जो है एक्स्ट्रा पढ़ना, क्योंकि ये नीट में इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, जी समझ रहे हो आप। चलो ये जनन की बात होगी। अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर टैप वॉर्म फीता कृमि नजर आ रहा है, क्योंकि फीते के समान लंबी इसकी संरचना होती है। फिर एक है फेशियल एपेटिका जिसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं, देखो ये इसके सकर्ष नजर आ रहे हैं आपको, सकर्ष चुस्कांग इनको बोलते हैं, है ना। अब आप लोग देखें कि इनमें जो पाचन तंत्र होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर उसकी बात करें तो ये ब्लाइंड से एक प्रकार के होते हैं, पाचन तंत्र जो है वो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट। लेकिन ये जो जीव है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, इसमें आहार नल पाई नहीं जाती, क्योंकि ये सीधा अपनी बॉडी की सतह से भोजन का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, तो ये प्लेटी एलमेंथीज के अंदर आपको चीजें याद रखनी है। ओके, अब है गोल क्रीमी एसके एलमेंथीज, राउंड वॉर्म भी इनको बोलते हैं, इनका शरीर लंबा वॉर्म के समान होता है और नुकीले सिरे होते हैं। आवास की बात करें तो ये
जलीय भी हैं, ये स्थलीय भी हैं, स्थल में भी, और ये पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट, और ये फ्री लिविंग भी है, फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग जैसे रेहेब डाइटिस के रूप में, ठीक है ना। फिर संगठन की बात करें तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र पाया जाता है इनके अंदर। फिर समिति की बात करें तो बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल द्विपार्श्व समित होते हैं। जनन स्तर की बात करें तो त्रिस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं। तीन जनन स्तर होते हैं, एक्टोडम, मिजोडम और एंडोडम। देह गुहा की बात करें तो हम लोगों ने बात की थी, इनमें कूट देह गुहा होती है, कूट देह गुहा, सुडोसिलोमेट बात की थी ना, पाउच के रूप में होती है। फिर उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन के अंदर आप लोग देखें कि इनका जो शरीर होता है उन पे एक उत्सर्जन छिद्र होता है, और उत्सर्जन छिद्र अंदर एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है, और एच शेप्ड संरचना एक अंदर शरीर की होती है, और ये जो ट्यूब लाइक संरचना है इसको बोलते हैं रिनेट सेल, रिनेट कोशिका, और ये उत्सर्जन छिद्र, उत्सर्जन छिद्र है ना, ये रिनेट कोशिका है, इसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह सकते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, और ये बॉडी का जो फ्लूड है उसी से उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठा करके इस छिद्र से शरीर के बाहर निष्कासित कर देता है, ठीक है। तो उत्सर्जन में आपको ये चीज याद रखनी है, ओके। फिर अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं जनन की, है ना। तो इनमें अगर हम लोग देखें तो केवल लैंगिक जनन होता है, केवल लैंगिक जनन, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। इनमें अगर हम लोग देखें तो जैसे ये जो है वो नर है और ये जो है वो मादा है। नर जो है वो उसकी जो लंबाई है, नर की लंबाई मादा की तुलना में कम है, और मादा की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। नर का जो पिछला सिरा है वो इस तरीके से मुड़ा हुआ है, आप लोग देखें, मुड़ा हुआ हिस्सा, मुड़ा हुआ पश्च भाग। लेकिन मादा का जो पश्च भाग वो बिल्कुल सीधा है, ये तो ऐसे कर रखा है, बाकी ये सीधी होती है, समझ रहे हो। तो नर और मादा में आपको अंतर पता होना चाहिए। नर जो है उसके अंदर आप लोग देखें अवस्कर पाया जाता है, क्लोइका, और मादा जो है उसके अंदर जो है गुदा पाया जाता है। यहाँ पर गुदा है और ये दोनों का क्या है, मुख वाला भाग है। तो नर में अवस्कर होता है, ठीक है। तो इसके अलावा निषेचन की बात करें तो आंतरिक निषेचन होता है, और भ्रूणीय परिवर्तन अप्रत्यक्ष लार्वा के माध्यम से होता है, और मादा अंड प्रजनक होती है, अंडे देती है। और ये जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ये एस्केरिस है, जो अंतःपरजीवी होता है हमारी छोटी आंत्र के अंदर, इससे एस्केरियसिस रोग होता है, ठीक है। तो ये एस्केलमेंथिस की बात होगी। क्रॉस सेक्शन में इनका शरीर जो वो गोल होता है, इसलिए इनको जो है वो गोल क्रीमी कहते हैं, चीज समझ आई आपको। चलो अब इसके एग्जाम्पल जो आपको मिनिमम याद रखने हैं, जैसे एस्केरिस इसको राउंड वर्म कहते हैं, एक वुकेरिया इसको फाइलेरियल वर्म कहते हैं, ये हाथी पांव रोग करता है, और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। 12th वाले पोर्शन में इसके बारे में चर्चा भी होगी, डिजीज के अंदर आएगा। फिर एक हुक वॉर्म एनकाइलोस्टोमा, इसको हुक वॉर्म कहते हैं क्योंकि इसके अंडों के अंदर हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, और ये मिट्टी से इसके लार्वा हमारे शरीर के अंदर छेद करके पाँव से प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एलमेंथीज की बात हो गई है। अब आज के लिए जो लास्ट है वो है एनेलिडा, इनको सेगमेंटल वॉर्म भी कहते हैं। इनमें सबसे अच्छे प्रकार का खंडीबोन मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्योंकि पाया जाता है। आवास की बात करें तो ये जलीय भी है, जलीय में दोनों प्रकार का है, समुद्री और स्वच्छ, समझ रहे हो। इसके अलावा ये स्थलीय भी होते हैं मिट्टी के अंदर, इसके अलावा ये पैरासाइट भी होते हैं, एक्टोपैरासाइट बाहरी, एक्टो जैसे ये देखो, ये एक्टोपैरासाइट लीच हिरुडिनेरिया, ठीक है। तो ये आवास की बात हो गई है।
संगठन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, समिति बायलैटरल होती है, खंडी भवन उपस्थित होता है, सबसे अच्छा खंडी भवन इन्हीं में होता है। ठीक है, देह गुहा की बात करें तो ये सिलोमेट है, और सिलोमेट में भी कैसे हैं, वास्तविक देह गुहा है, और वास्तविक देह गुहा में भी ये कैसे हैं, आपका साइजोसिलोमेट। ठीक है, ओके। गमन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक तो है शरीर की पेशियां, शरीर की पेशी, और शरीर में दोनों प्रकार की पेशियां होती हैं, एक तो वर्तुल होती है गोलाकार, एक होती है लंबवत लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल। दोनों प्रकार की पेशियों के संकुचन के कारण शरीर आगे की तरफ बढ़ता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनके अंदर पैरापोडिया पाया जाता है, पैरापोडिया, ये पैरापोडिया देखो ये रे पैरापोडिया, इन पैरापोडिया ये जल के अंदर तैरने में मदद करते हैं। इसके अलावा पैरापोडिया जो है वो गैसों के आदान प्रदान में भी इसके अंदर मदद करता है। ठीक है ना, केंचुए के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो केंचुआ है उसके अंदर सिट्टी सूक पाए जाते हैं गति के लिए। ये गमन की बात हो गई है। रक्त परिसंचरण की बात करें तो इनमें क्लोज्ड प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, केंचुए में भी और नेरिस के अंदर भी, लेकिन जो हिरुडिनेरिया है इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, ओपन रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। लाल रंग का रक्त होता है और हीमोग्लोबिन सीधा रक्त प्लाज्मा में घुला होता है, इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये परिसंचरण की बात हो गई है। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन के लिए इनके अंदर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जो शरीर के तरल से उत्सर्जित पदार्थ को इकट्ठा करके शरीर के बाहर निष्कासित कर देते हैं ना बॉडी फ्लूइड्स के मदद से। ठीक है, तो ये नेफ्रिडिया हो गए हैं। फिर तंत्रिकीय तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो इनमें अच्छे प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, सिर के अंदर जो है वो सेरेब्रल गैंग्लिया होता है, और फिर वो लैटरल नर्व के थ्रू शरीर के वेंट्रल भाग के अंदर डबल नर्व कोड होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, ये एनसीईआरटी ने वहाँ पर चर्चा कर रखी है। जनन की बात करें तो इनके अंदर जो है वो केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है ना, और ये जो नेरिस है इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इसके अंदर लार्वा होता है जिसका नाम होता है ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है ना, और नेरिस जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल, लेकिन ये जो हिरुडिनेरिया वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी होता है। इसके अलावा इस हिरुडिनेरिया के अलावा जो केंचुआ है, केंचुआ भी कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। केंचुए में और हिरुडिनेरिया में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, केंचुए में निषेचन बाहरी होता है और हिरुडिनेरिया में निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम लोगों ने किसकी बात की है, जनन की बात की है। ठीक है, तो एग्जांपल में आपको नेरिस याद रखना है जो डायग्राम में नजर आ रहा है, फेरिटीमा अर्थवॉर्म है, हिरुडिनेरिया आपका ब्लड को सक करने वाला एक्टोपेरासाइट है जो खून को चूसता है, इसके लार में हिरुडिन होता है एंटीकोएगुलेंट जो खून के थक्के को जमने नहीं देता है। ठीक है, तो एकलिंगी कौन है, केंचुआ और सॉरी एकलिंगी कौन है, नेरिस, उभयलिंगी कौन है, अर्थवॉर्म और हिरुडिनेरिया। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन किस में है, नेरिस में और केंचुए में, ओपन किस में, हिरुडिनेरिया में, डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में, केंचुए में और हिरुडिनेरिया में, इनडायरेक्ट किसके अंदर है, नेरिस के अंदर। ठीक है, तो बस इतना आपको एनालिटिक्स के अंदर याद रखना है, इनके अलावा एनसीईआरटी ने जो लिखा है इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सब की अच्छे से रीडिंग लगाएं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में कुछ आए हुए क्वेश्चन उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे प्लेन एरिया एक प्लेटी एलमेंथीज है, इसमें कौन सी क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो इसके अंदर पुनर्जनन की रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है। फिर इसमें हम लोगों को सही रूप से मिलाया हुआ मिलान जो वो देखना है, तो जैसे सी पेन समुद्री पेन तो वो एडमेंसिया सी एनेमोन नहीं होता है, सी पेन जो है वो कौन होता है, पिनेटुला, तो ये तो गलत मिलान हो गया। फिर सी एनेमोन जो है वो मिएंड्रिना नहीं है, सी एनेमोन एडमेंसिया होता है, तो ये गलत मिलान हो गया क्योंकि मिएंड्रिना तो ब्रेन कोरेल होता है। ठीक है, फिर समुद्री पंखा गोरगोनिया बिल्कुल सही है,
समुद्री पंख जो पंखा है वो गोरगोनिया होता है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है। और पुर्तगाली युद्ध पोत जो वो पिनेटुला नहीं होता है, वो तो फाइसेलिया होता है, जी समझ रहे हो। तो यहाँ पर सही मिलान कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फिर पोरीफेरा संघ के जंतुओं में स्पोंजोसील गुहा पाई जाती है, यहाँ पर ये गुहा है, और इसके अंदर अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनपे पक्षमाप पाया जाता है, पक्षमाप से आश्रित होती है जिन्हें कहते हैं। तो उन कोशिकाओं को क्या बोला गया है, उन कोशिकाओं को बोलते हैं कोलर कोशिका कोइनोसाइट। ये कोलर कोशिका इनकी शरीर की देह गुहा में पाई जाती है, ठीक है। फिर विशिष्ट निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार करना हमें, जैसे अंग तंत्र पाया गया है, बायलेटरल है, पूर्ण रूप से देह गुहा और खंडी भवन भी है ना, तो किस संघ का ये लक्षण है। तो देखें, ऑर्थोपोड्स में खंडी भवन होता है, मोलस्का में खंडी भवन नहीं होता है, एनलिडा में खंडी भवन होता है, मोलस्का में नहीं होता है, एनलिड में खंडी भवन है, ऑर्थोपोड में खंडी भवन है, और कॉर्डेट में भी खंडी भवन है। ये आंसर अपना परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एनलिड में खंडी भवन है, ऑर्थोपोड में है, लेकिन मोलस्का में खंडी भवन नहीं पाया जाता। खंडी भवन मोलस्क में, इकाइनोडर्मेट में और हेमिकोर्डेट जो उनके अंदर अनुपस्थित होता है, ठीक है। फिर बाइलेटरल सिमेट्री और है, लेकिन एगुई है, यानी ये तो प्लेटी एलमेंथीज हो गए। देखो ये रहा, प्लेटी एलमेंथीज बाइलेटरल है लेकिन एसिलोमेट होते हैं, टीनोफोर में तो ये तो डिप्लोब्लास्टिक है और रेडियल है, एनलिडा बाइलेटरल है और ये तो सिलोमेट है, एसके एलमेंथीज बाइलेटरल है लेकिन स्यूडो सिलोमेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्लेटी हेलमेंथीज की बायलेटरल है और एसिलोमेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारी चर्चा है, हमें उम्मीद है आपको इससे बिल्कुल लाभ मिलेगा। हम लोगों ने इस डेढ़ घंटे के अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और फिर पोरीफेरा से लेकर के जो है वो आपके एनलिडा तक की बातें की हैं, और इनसे बाहर नीट में कुछ नहीं जाना है आपको, है ना। यही चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से याद करनी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं, जिसके अंदर हम लोग ऑर्थोपोड से लेकर के हेमिकोर्डेट जो है वहाँ तक बात करेंगे। तो आज के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें, और हमारी जो गुरु नीति है उसका जो पहला एपिसोड है एनिमल किंगडम फर्स्ट, उसमें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन की चर्चा हुई है, वहाँ पर उसके लिंक के अंदर इसकी PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लें, जिससे आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे, बेस्ट ऑफ लक।